वेलकम टू द चैनल पिपल टीचर टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मैरान सीरीज ऑफ एसेंशल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फर्स्ट टॉपिक इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन टू द मैनेजमेंट मैनेजमेंट इज अवर्सल कॉन्सेप्ट इट इज नीडेड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट आपका एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी होता है वेदर इट इज़ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फिर वो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो दक्सेस ऑफ एन ऑर्गनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द सक्सेजफुल ऑफ मैनेजमेंट जो सक्सेस होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो डिपेंड करता है कि आपके फंक्शन कैसे रन कर रहे हैं मैनेजमेंट के देन मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट कैन भी डिफाइन एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स टर्न विद एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशियटली मैनेजमेंट आपका एक वो प्रोसेस है जिसमें आप जो भी वर्क कर रहे होते हैं उसका मेन एम होता है कि आप कैसे उन वर्क्स को एफिशिएंटली या इफेक्टिवली कर रहे हो देन कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट थ्री एसेंशियल एलिमेंट्स जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं उनमें आपके तीन एसेंशियल एलिमेंट्स आते हैं मैनेजमेंट इज अ पर्स प्रोसेस मैनेजमेंट आपका एक प्रोसेस है जिसमें इंटर रिलेटेड फंक्शंस आते हैं लाइक प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग मैनेजमेंट रिक्वायर्स एफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में एफेक्टिव परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड होती है मैनेजमेंट नीड्स एफिशिएंसी मैनेजमेंट में एफिशिएंसी रिक्वायर्ड होती है देन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो ये होता है कि आप को अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है देन मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव मैनेजमेंट द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व मैनेजिंग एंड एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल मैनेजमेंट आपका एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और इसमें आ, ये आपका हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है देन मैनेजमेंट आपका डायमेंशनल होता है मैनेजमेंट इज ऑल परसिव मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन मैनेजमेंट इज एन इंटेलजिबल फोर्स देन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना पड़ता है सो देर आर सम ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव पर्सनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आर द मेन विच आर नीडेड टू अचीव द इकोनॉमिक गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हर एक ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम यही होता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल के ऑबजेक्टिव को अचीव करें जो कि उनके इकोनॉमिक uh, वेलबींग well के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट uh, होता है जिसमें आपका सर्वाइवल आता है प्रॉफिट एंड ग्रोथ दैन नेक्स्ट वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव सोशल ऑबजेक्टिव रिफर्स टू द ऑबजेक्टिव विच आर डिज़ायर टू बी अचीव फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी सोशल ऑब्जेक्टिव आपके वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनका अचीव होना बहुत ज़रूरी होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी लाइक प्रोटेक्शन ऑफ एन्वायरमेंट बाई यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैथड्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक एक फैक्ट्री को वही मैथड ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करने चाहिए जिससे उनके इन्वामेंट को कोई हार्म ना हो supply of good quality of products at fair prices avoidance of antisocial and unfair trade practices then the next one is personal or the individual objectives an organization is made up of people who have different personalities backgrounds experiences and objectives ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पीपल्स होते हैं जो कि डिफरेंट जिनकी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होती है अलग अलग बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं अलग एक्सपीरियंसेस और अदर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके बट वो सब एक साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं एज़ फार एज जैसे कि उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव करने उनका एक एम होता है वैसे ही हर एक इंडिविजुअल के अपने खुद के भी कुछ एम्स होते हैं अपने खुद के भी कुछ डिज़ायर्स होती हैं लाइक फाइनेंशियल नीड लाइक कॉम्पिटिटिव सैलरीज़ उन्हें एक बेटर सैलरी मिलनी चाहिए सोशल नीड्स लाइक पीर रिकोगग्नेशन सेल्फ रिस्पेक्ट हायर लेवल नीड्स उनकी होती हैं जैसे कि पॉलिसीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस देन आर नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है कि मैनेजमेंट आप कैसे फंक्शन को अपने रन करते हो मैनेजमेंट एज अ साइंस मैनेजमेंट एक आपका एज अ साइंस वर्क करता है कि साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन साइंस आपका एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और वो नॉलेज आपको ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप उस नॉलेज को एक्वायर करते हो देन फीचर्स ऑफ साइंस वर्सेस मैनेजमेंट सिस्टमेटिस्ट बॉडी ऑफ नॉलेज प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन यूनिवर्सल वैलिडिटी देन मैनेजमेंट एज एन आर्ट मैनेजमेंट में आप एक मैनेजमेंट uh, आर्ट के फॉर्म में भी वर्क करते हैं उसमें लाइक आर्ट रिफर्स टू स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज टू ब्रिंग डिज़ायर रिजल्ट आपने जो भी फंक्शंस या जो भी प्लानिंग करी होती है उसे रन करने के लिए आप कुछ uh, कुछ मेथड्स का यूज़ करते और उन्हें सिस्टमेटिक फ़्लो करने के लिए आपको स्किल्स uh, की ज़रूरत होती है तो हम ये कहते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट की तरह भी है Features of art versus management, existence of theoretical knowledge, personalized application, based on practice and creativity. Then management, both science and art. Management science PA or RBA is a science because it, it has systematic body of knowledge which can be used to train the prospective and present managers. Is an art because it deals with application of personal skills which can be improved through constant practice. दैन वॉट आर द फेल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज अट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड यू शुड कवर इट अबाउट हैनरी फेोल हैंनरी फेोल एटीन फोर्टी वन टू नाइनटीन ट्वेंटी फाइव वॉज अ फ्रेंच मैनेजमेंट थियोरिस्ट हैंनरी फेयल आपके एक फ्रेंच मैनेजमेंट थियोरिस्ट थे एंड ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द माइनिंग अकैडमी ऑफ सेंट टाइन इन एटीन सिक्सटीन माइनिंग इंजीनियरिंग उन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग करी होती है उन्होंने एक फ्रेंच माइनिंग कंपनी ज्वाइन करते हैं वो 1860 में एज एन इंजीनियर और मैनेजर uh, की पोजीशन तक जाते हैं 1888 देन कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ़ेल फ़ेल फाउंडेड दैट एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन को बी डिवाइडेड इनटू सिक्स ग्रुप्स फ़ेल ये कहते हैं कि जो एक्टिविटीज़ हैं इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने उनको सिक्स ग्रुप्स में डिवाइड करा टेक्निकल कमर्शियल फाइनेंशियल सिक्योरिटी अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल

होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इन टू स्मॉल टास्क और जॉब एंड ईस जॉब मस्ट बी असाइंड ट्रेन स्पेशलिस्ट हु इज़ कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म इट ये प्रिंसिपल आपका ये कहता है कि वर्क जो है उसे हमें स्मॉल टास्क के स्मॉल जॉब्स में डिवाइड कर देना चाहिए और जिसे भी हम असाइन करें वो वर्क वो एक ट्रेंड पर्सन होना चाहिए उसे उस फील्ड uh, के बारे में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए देन आपका आता है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ये प्रिंसिपल आपका कहता है कि एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए आपका अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में अथॉरिटी इज़ द राइट टू गिव ऑर्डर्स टू सब आर्डिनेट्स अथॉरिटी आपका वो राइट right होता है जिसमें आप अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर्स देते हो और रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके सुपीरियर्स जो होते हैं वो वो Uh, वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हैंड इन हैंड चलते हैं और दोनों के बीच में एक गुड uh, कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर आप अथॉरिटी यानी कि जो अपने सबॉर्डिनेट्स को ड्यूटीज़ uh, असाइन कर रहा हो और उनके बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन अगर नहीं बैठ पाता है तो आपका अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी वजह से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाते हैं डिसिप्लिन डिसप्लिन रिफर्स टू ओबीडियंस टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ़ द ऑर्गनाइजेशन विच इज़ नेसेसरी फॉर सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गनाइजेशन डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है uh, कि आपके जो भी रूल्स एंड रेगोलेशन हैं ऑर्गनाइजेशन के वो एक सिस्टमेटिक वे में वर्क कर रहे हों और एक सिस्टमेटिक वर्किंग के लिए बहुत ज़रूरी है डिसप्लिन होना then unity of command according to this principle each subordinate should receive orders and be accountable to one and only one superior ye principle aapka kehta hai ki har ek subordinate ko order ek hi uh, matlab receive uh, होने चाहिए और उनका एक ही बॉस होना चाहिए like आपका command देने वाला order देने वाला एक ही boss होना चाहिए अगर एक time पे आप आपको दो लोग ऑर्डर दे रहे होते हैं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको कौन सा ऑर्डर पहले फुलफिल करना है तो वो जो होता है वो सब को एक अनप्लीजेंट सिचुएशन में डाल देता है द नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन Unity of direction implies that there should be one head and one plan for group of activities having same objective. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपका ये कहता है कि एक हेड होना चाहिए यानी कि एक बॉस होना चाहिए एक प्लान होना चाहिए और उनका सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव लाइक आपके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं मैनेजमेंट के और हर एक डिपार्टमेंट डिफरेंट वर्क कर रहा होता है लेकिन एक्टिविटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं बट उनका ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए लाइक like, आपके पाथ डिफरेंट होते हैं लेकिन आप का जो मेन मोटिव होता है वो एक होता है लाइक like, आपके वर्क करने का तरीका अलग होगा लेकिन आपको फुलफिल वही वर्क करना होगा देन नेक्स्ट वन इज़ सबॉर्डिनेशन टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल मस्ट प्रिवेल ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स और इम्प्लॉयज़ लाइक जितने भी एम्प्लॉयज़ आपके वर्क कर रहे होते हैं uh, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनके अपने खुद के भी ऑब्जेक्टिवस होते हैं अपने खुद के इंटरेस्ट होते हैं लेकिन ये आपका प्रिंसिपल कहता है कि हर एक एम्प्लॉय को अपने खुद का एम अपने खुद के इंटरेस्ट को साइड करके पहले ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अची अचीव करना चाहिए पहले उन्हें उसके लिए वर्क करना चाहिए

विच शुड गिव दैम एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो कि उनको एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी और ये कैपेसिटी मतलब उन कंपनी की कैपेसिटी के अंदर भी हो कि वो जितना मतलब वो उनकी कैपेसिटी पे डिपेंड करते हैं कि वो आपको कितनी सैलरी दे सकते हैं देन नेक्स्ट वन इज सेंट्रलाइजेशन एंड डी अकॉर्डिंग टू दिस प्रिसिपल देअ शड भी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डी सेंट्रलाइजेशन इन दर्गनाइजेशन ये प्रिंसिपल आपका कहता है कि बैलेंस अप्रोच होने चाहिए बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डी सेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी वेर डी सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू इवेंटली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट सेंट्रलाइजेशन आपका सेंट्रलाइजेशन uh, वो होता है जहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो आपके uh, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट यानी कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो लोग लेते हैं और आपका डिसेंट्रलाइजेशन वो होता है जहाँ पे जो अथॉरिटीज़ होती हैं उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एट ऑल द लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट देन स्केलर चेन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी ऑन कम्युनिकेशन दैट uh, रन्स from टॉप टू बॉटम एंड शुड बी फॉलोड by मैनेजर्स and द subordinates. आपका ये प्रिंसिपल कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक चेन होनी चाहिए अथॉरिटी और कम्युनिकेशन की लाइक like वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें जो कि आपका टॉप टू बॉटम चलना चाहिए और मैनेजर्स uh, और सब एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर सकें अ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्राम हाईस्ट टू लोअर स्ट्रेंथ आर नोन एज स्केलर चेन जो मतलब एक फॉर्मल लाइन होती है आपकी हाइयर टू लोअर उसको हम स्केलर चेन कहते हैं और स्केलर चेन को गैंग प्लैंक भी कहा जाता है देन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एन एवरी वन ऑर्डर आपका प्रिंसिपल ये कहता है कि हर एक इंसान के लिए एक प्लेस होना चाहिए और हर एक जगह देन नेक्स्ट वन इज इक्विटी अकॉर्डिंग टू दिस प्रिसिपल देय शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन अमंग द एम्प्लॉज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन लैंग्वेज कास्ट सेक्स बिलीफ और नेशनलिटी आपका ये प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी लेवल पे जैसे कि अमंग द एम्प्लॉयज़ उनके रिलीजन को लेके लैंग्वेज को लेके ले कास्ट को लेके नेशनैलिटी को लेके बिलीफ को लेके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल According to this principle, there should be proper efforts to achieve stability and continuity of tenure of personnel. Like ये uh, principle आपका कहता है कि proper efforts जो uh, चाहिए होते हैं वो uh, होने चाहिए कि आप continuity maintain कर सकों. कि Fayol was the view that employees should be selected and appointed after due and rigorous procedure. कि हर एक employee को आप एक procedure के बाद ही appoint करिए. और अगर वो एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें उनकी पोजीशन पे रहना चाहिए उन्हें कुछ टाइम देना चाहिए कि वो अपने आप को प्रूव कर सकें देन नेक्स्ट वन इज़ इनिशिएटिव अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्कर्स शुड बी इनकरेज एंड गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान ये प्रिंसिपल आपका कहता है कि वर्कर्स को इनकरेज करना चाहिए कि और उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो कुछ इनिशिएटिव्स ले सकें मैनेजमेंट को लेकर और कुछ प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सके देन नेक्स्ट वन इज स्पिरिट कॉर्प। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज़ की आपके मैनेजमेंट में एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए यूनिटी और हार्मनी होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ के बीच में तभी आप ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो दैन एफ डब्ल्यू टेलर्स आन साइंटिफिक मैनेजमेंट देन आपके नेक्स्ट प्रिंसिपल्स आते हैं एफ डब्ल्यू टेलर के सो अबाउट एफ डब्ल्यू टेलर फेडरिक विस्टो टेलर वॉज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर ही आपके अमेरिकन मैकेल इंजीनियर है एटीन सेवेंटी फोर में ही बिकेम एन अप्रेंटाइज मकानिस्ट एंड रोल्स टू द पोजिशन ऑफ चीफ इंजीनियर इन बेथ स्लम स्टील कंपनी यूएसए एस ए ड्यूरिंग हिज करियर ऑफ ट्वेंटी सिक्स ईयर्स ही एक्सपेरिमेंटेड विद हिज आइडियाज़ एंड मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द मैनेजमेंट थ्योरी कंट्रीब्यूशन ऑफ एफ डब्ल्यू टेलर थ्योरी गिव अ कॉन्क्रीट शेप टू द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर ने आपका एक थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दी उन्होंने पहली बार इम्पॉर्टेंस बताई थी साइंटिफिक अप्रोच की मैनेजमेंट में जो कि आपके हिट एंड ट्रायल मैथड की जगह पे आया टेलर्स मेजर कंट्रीब्यूशन वॉज हिज टू इम्पॉर्टेंट बुक उन्होंने दो इम्पॉर्टेंट बुक्स लिखी शॉप मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि आपकी पब्लिश हुई नाइनटीन जीरो थ्री और नाइनटीन इलेवन में देन हिज कंट्रीब्यूशन इज़ वेल नोन एज द फादर ऑफ़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ डब्ल्यू टेलर को आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर भी कहा जाता है Then what are the principles of scientific management? There are four principles: science, not rule of thumb, harmony not discord, cooperation not individualism, development of workers to their greatest efficiency and prosperity. Science not rule of thumb. According to this principle, there should be scientific study and analysis of each element of a job in order to replace the old rule of thumb approach or hit and trial method. This principle is मैनेजमेंट में हर एक लेवल पे साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए एनालिसिस होना चाहिए हर एक एलिमेंट का उनके जॉब से रिलेटेड देन हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड अंडर द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट सर्व एज अ लिंक बिटवीन द ओनर एंड द वर्कर एंड दे हैव टू गेट वर्क डन फ्रॉम द वर्कर्स लाइक हर एक एम्प्लॉय के बीच में आपका हायर टू द लोअर हार्मनी होना बहुत जरूरी है वरना आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे According to this principle, there should be complete harmony and proper understanding between management and workers, and they should work together for organizational objectives. Then, next one is cooperation, not individualism. According to this principle, there should be cooperation between management and workers instead of individualism. आपका ये principle कहता है कि proper cooperation होना चाहिए management और workers के बीच में हर एक इंसान को अपने आप को individual लेके नहीं चलना है उसे अपने आप को एक team spirit होनी चाहिए उनके बीच में Then next one is development of workers to their greatest efficiency and prosperity. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड एम टू डेवलप वर्कर्स विद द ग्रेटस्ट एफिशियंसी एंड प्रॉस्परिटी कि मैनेजमेंट को ये आ, एम करना चाहिए कि उनके वर्कर्स जो है उनकी जितनी एफिशियंसी है उन्हें उसके हिसाब से काम देना चाहिए देन टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फंक्शनल फॉर मैनशिप स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क मेथड स्टडी मोशन स्टडी टाइम स्टडी फेटिक स्टडी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम This one is the standardization and simplification of work. Then next one is motions method study. Then motion study. Then time study. Fatigue study. Differential piece wage system. देन नेक्स्ट टॉपिक इज प्लानिंग प्लानिंग इज द बिगनिंग ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस प्लानिंग आपकी बिगनिंग होती है मैनेजमेंट प्रोसेस क्योंकि हम कोई भी वर्क करते हैं आपका वो वर्क छोटा हो या बड़ा आप किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप सबसे पहले प्लानिंग करते हो एवरी मैनेजर एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एंटरप्राइज रिक्वायर प्लानिंग हर एक मैनेजर और हर एक एंटरप्राइज को प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है मीनिंग ऑफ प्लानिंग प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन द प्रेजेंट वॉट इज टू बी डन इन फ्यूचर इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट्स एंड डिसाइडिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन प्लानिंग आपका प्रेजेंट में होता है और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा फ्यूचर में जाके हम इस हिसाब से भी प्लानिंग करते हैं कि उससे हमें आगे क्या प्रॉफिट होगा या क्या लॉस होगा सो प्लानिंग रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर अ गिवन टाइम पीरियड प्लानिंग हम करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं एक गिवन टाइम पीरियड के लिए फॉर्मुलेट करते हैं बहुत सारे वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन को कि हम उन्हें अचीव कर सकें सेलेक्ट करते हैं देन उसमें से बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव को एंड देन अमंग द वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन सब में से हम किसी एक अल्टरनेटिव uh, को चूज करते हैं देन फीचर नेचर और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग प्लानिंग फोकसड ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव प्लानिंग आपका फोकस करता है कि आप ऑब्जेक्टिव को अचीव करो प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग आपका प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का प्लानिंग इज परवेसिव प्लानिंग आपका हर एक लेवल uh, पे uh, आपका रिक्वायर्ड होता है डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है देन स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस कौन कौन से स्टेप्स हम रिक्वायर्ड uh, होते हैं प्लानिंग प्रोसेस में वो देख लेते हैं सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स द फर्स्ट एंड द फॉर्मोस्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ़ और गोल ऑब्जेक्टिव मेंट फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड ईस्ट डिपार्टमेंट विद इन दर्गेनाइजेशन आपका फर्स्ट और फॉरमोस्ट स्टेप आपका यही होता है प्लानिंग में कि आप पहले ऑब्जेक्टिव को सेट कर रहे हो वो हो सकता है कि आप इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हो या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए कर रहे हो देन नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग प्रमिसेज प्लानिंग इन डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन प्लानिंग हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि हमारा आगे फ्यूचर में क्या हम आ, क्या करेंगे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा फ्यूचर में एंड वी और वेरी वेल नो कि फ्यूचर हमारा अनसर्टेन होता है सो एवरी मैनेजर हैज टू मेक सर्टेन एजें्प्शन अबाउट द फ्यूचर तो हम कुछ अजैम्पन्स बना के चलते हैं फ्यूचर को लेके दे नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन आफ्टर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव एंड मेकिंग अजम्प्शन अबाउट द फ्यूचर जब ऑब्जेक्टिव को सेट कर लेते हैं और एक अजम्पशन लेके चलते हैं फ्यूचर के बारे में तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम अल्टरनेटिवस देखें कि मतलब कौन कौन से आपके ऑप्शन uh, हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए देन इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन आफ्टर आइडेंटिफाइंग एंड लिस्टिंग आउट पॉसिबल अल्टरनेटिव कोर्सेज जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं और एक लिस्ट बना लेते हैं कि उसमें उसके कौन कौन से पॉसिबल ऑप्शन या अल्टरनेटिव हो सकते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम उन्हें इवेलुएट करें वे टू प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव ईच कोर्स विल हैव मनी वेरिएबल्स दिश नीड टू बी वेट अगेंस्ट ईच अदर आपका हर एक कोर्स में बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे कुछ उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होंगे तो हमें वो भी ध्यान में रखने पड़ते हैं देन सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव आफ्टर आपने इवेलुएशन कर लिया अपने अल्टरनेटिव का दिया हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम जितने भी हमारे पास अल्टरनेटिव हैं उनमें से एक सुटेबल और एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करें देन नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंट द प्लान जब हम स्टेप को सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हमें उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है देन फॉलो अप एक्शन और आपका लास्ट स्टेप होता है प्लानिंग प्रोसेस का इज टू सी विदर द प्लान आर बींग इम्प्लीमेंटेड एन एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल कि हम ये देखते हैं कि हमने जैसा भी प्लान किया था जैसा भी शेड्यूल किया था उसके हिसाब से हमारे मैनेजमेंट में वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है देन आर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजिंग मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आफ्टर द प्लान हमने प्लान्स बना लिए हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का वो होता है ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गनाइजिंग कैन बी डिफाइन एज अ प्रोसेस डार्ट इनिशिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान बाई क्लैरिफाइंग जॉब्स आन वर्किंगकिंग रिलेशनशिप एन एफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्स फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑर्गनाइजेशनल गोल्स हमने प्लान्स uh, बना दिए उसके बाद हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है वर्क को और हमें उसे फुलफिल करने के लिए हमें जॉब्स असाइन करनी पड़ती हैं वर्किंग रिलेशनशिप देखना पड़ता है और कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल हैं कि हम उन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें दैन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग कौन कौन से आपके स्टेप्स हैं सो पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क जो पहला स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का वो होता है कि आप आइडेंटिफाई करो कि वर्क क्या है आपको आ, कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना है एंड वी हैव टू डिवाइड हमें डिवाइड करना पड़ता है उस टोटल वर्क को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डिपार्टमेंटेशन और डिपार्टमेंटलाइजेशन आपका दिन आता है आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ़ डिवीजन ऑफ वर्क द नेक्स्ट स्टेप इज टू ग्रुप रिलेटेड आन सिमिलर जॉब्स अंडर वन डिपार्टमेंट देन हम ये देखते हैं कि हम अगर एक जैसी जॉब्स हैं सिमिलर जॉब्स हैं सिमिलर ग्रुप्स से रिलेट करें तो उन्हें हम एक डिपार्टमेंट में रखते हैं लाइक like, देन आपका आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ कि हम डिफरेंट डिपार्टमेंट को कैसी कैसी ड्यूटीज़ हम असाइन कर रहे हैं देन इस्टाब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स तेन आता है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स अडाप्टन टू चेंज एफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ये आपके कुछ इम्पोर्टेंस हैं ऑर्गनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग के then ऑफ अथॉरिटी authority जॉब और or work ऑफ of पर्सन person grows beyond his कैपेसिटी जब आपकी जॉब या फिर आपका वर्कलोड आपकी कैपेसिटी के बाहर यानी कि आपकी कैपेसिटीज़ के बाहर जा रहा होता है दैन ही मस्ट शेयर इट विद सबॉर्डिनेट्स फॉर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस तो हम अपने वर्क को शेयर कर लेते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कि हम उसकी सक्सेसफुल परफॉर्मेंस के लिए मैनेजर्स एट वेरियसल्स कैन नॉट मैनेज एंड कंट्रोल एवरी थिंग इन दर्गनाइज इन दर्गनाइजेशन मैनेजर्स ऐसे बहुत सारे लेवल्स आते हैं कि उस वर्क को अकेले कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो अपने वर्क को डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में बांट देते हैं डेलीगेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ अथॉर्टी फ्राम सपीरियड टू सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट डेलीगेशन आपका ट्रांसफ़र होता है अथॉर्टी का सपीरियड से सबऑर्डिनेट में दैन प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन आपका पहला आता है अथॉरिटी अथॉरिटी रिफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हे सबऑर्डिनेट अथॉरिटी आपका वो राइट right होता है जिसमें एक इंडिविजुअल कमांड देता है अपने सबॉर्डिनेट को और एक्शन लेता है अपनी पोजिशन पर रह कर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ़ एन इंडिविजुअल टू कैरी आउट द असाइन ड्यूटी एफ यानी कि आपको जो भी ऑर्डर दिया गया है आपको वो वर्क करना पड़ता है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे कहते हैं फिर आता है आपका अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी ये होता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफ़र uh, करते हो बींग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम कि आपको फाइनल आउटकम के लिए आंसर देना है

विच कैन बी एक्सेस जो कि मतलब एक जगह ना हो होकर आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपने वर्क को ट्रांसफ़र कर देते हो मीनिंग देन आपका आता है स्टाफिंग जिसमें आपका आता है पहले मीनिंग ऑफ स्टाफिंग स्टाफिंग इज दर्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ कंसर्न विद ऑप्टेनिंग यूटिलाइजिंग एंड मेनटेनिंग अ सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्क फोर्स स्टाफिंग आपका एक वो प्रोसेस है मैनेजमेंट का जिसमें आप ये देखते हो कि कैसे आप ऑप्टेन कर सकते हो यूटिलाइज करते हो मेंटेन करते हो एक सेटिसफैक्ट्री और एक सेटिस्फाइड वर्कफोर्स कैसे क्रिएट करते हो देन इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग फिलिंग जॉब विद कॉम्पिटेंट पर्सनल बेटर परफॉर्मेंस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑप्रूव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल नेक्स्ट वन इज़ योर स्टाफिंग प्रोसेस कि स्टाफिंग का प्रोसेस क्या होता है एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट मैन पावर रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व फोरकास्टिंग एंड डिटरमाइनिंग फ्यूचर मैन पावर नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट एम्स टू डिटरमाइन द नंबर टाइप ऑफ एम्प्लॉज रिक्वायर्ड आपका ये बताता है कि कितने ज़्यादा और कितने टाइप ऑफ आपको एम्प्लॉइज um, चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में टाइप रिफर्स टू स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन टाइप का आपका मतलब है कि उनके पास एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए स्किल्स होने चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए द टाइप ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड कंपनी शुड ऑल्सो मेक पॉलिसी टू अपॉइंट वुमेन परसन फ्राम बैक ग्राउंड कम्युनिटीज एंड स्पेशल एबिलिटीज़ कंपनी एक लिस्ट एक पॉलिसी भी बना सकती है कि क्यों उसे वुमेन को अपॉइंट करना है किस बैक uh, वर्ल्ड या कम्युनिटी से uh, लोगों को अपॉइंट करना है और उनमें क्या स्पेशल एबिलिटीज़ होनी चाहिए देन पहला देन नेक्स्ट आपका आता है रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉज एंड एनक्रेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूट रिक्रूटमेंट आपका वो प्रोसेस है जहाँ पे आप आ, लोगों को एम्प्लॉज को ढूंढते हो सर्च करते हो और उन्हें इनक्रेज करते हो कि वो, वो आप उन जॉब्स पर वर्क करें आके आपके ऑर्गनाइजेशन में देन आपका नेक्स्ट आता है सिलेक्शन सिलेक्शन इन्वॉल्व चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट डेवलप थ्रू रिक्रूटमेंट सिलेक्शन आपका वो प्रोसेस है जहाँ पे आप अल्टरनेटिव पीपल्स यानी कि बहुत सारे एम्प्लॉज में से किसी बेस्ट वन को चूज़ करते हो अपनी उस डिज़ायर्ड uh, जॉब के लिए रिक्रूटमेंट के बाद देन प्लेसमेंट ऑन ओरिएंटेशन आफ्टर सिलेक्शन सिलेक्शन हो जाने के बाद आप कैंडिडेट को असाइन करते हो जॉब प्लेसमेंट रिफर्स टू असाइनिंग स्पेसिफिक जॉब टू द कैंडिडेट प्लेसमेंट का मतलब है कि आप असाइन कर रहे हो उस कैंडिडेट को जॉब एक एक स्पेसिफाइड जॉब के लिए देन ओर ओरिएंटेशन रिफर्स टू इंट्रोड्यूसिंग द सेलेक्टेड इम्प्लॉयज टू द अदर इम्प्लॉयज़ और ओरिएंटेशन का मतलब है कि आप उस नए इम्प्लॉय का इंट्रोडक्शन करा रहे हो अदर इम्प्लॉयज़ और उसको फैमिलियर करा रहे हो ऑर्गेनाइजेशन से विद रूल्स एंड रेगुलेशन देन आपका नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नॉट ओनली इम्प्रूव द नॉलेज एंड स्किल्स फॉर द प्रेजेंट जॉब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ना ही आप सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं इम्प्रूव करता है स्किल्स प्रेजेंट जॉब के लिए बट ये आपका इम्प्रूव करता है आपका कॉम्पिटेंस फॉर करियर ग्रोथ देन आपका नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल परफॉमेंस अप्रेजल रिफर्स टू सिस्टमेटिक इवेल्युएशन ऑफ इम्प्लॉइज परफॉर्मेंस अगेंस्ट फ्यू डिटर्माइंड स्टैंडर्ड एंड देयर पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट परफॉर्मेंस ऑफ आपका एक सिस्टमेटिक इवेल्युएशन है एम्प्लॉय का उसकी परफॉर्मेंस को लेके कि वो किस हद तक अपने किस पोटेंशियल तक वर्क कर सकता है देन प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग प्रमोशन होता है आपका करियर प्लानिंग करते हैं हम देन आपका कंपनसेशन आता है देन नेक्स्ट वन योर रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग जैसा कि मैंने बताया कि रिक्रूटमेंट आपका वो प्रोसेस है जहाँ पे हम लोगों को सर्च करते हैं कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आके वर्क करें उसे हम रिक्रूटमेंट कहते हैं देन व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट के कौन से सोर्सेज हैं तो दो सोर्सेज हैं एक आपका इंटरनल सोर्स आता है और एक आपका एक्सटर्नल सोर्स आता है इंटरनल सोर्सेज आपके विद इन द मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के सोर्सेज हैं जिसमें आपका प्रमोशन और ट्रांसफ़र आता है एक्सटर्नल सोर्सेज uh, में आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आता है कैजुअल कॉलर्स एडवर्टीजमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एक्सेट्रा सो इंटरनल सोर्सेज देर आर टू मेन सोर्सेज इन दिस कैटेगरी प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र इसमें आपके दो uh, सोर्सेज आते हैं प्रमोशन और ट्रांसफर प्रमोशन रिफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम अ लोअर लेवल पोजीशन टू अ हायर लेवल पोजीशन प्रमोशन में एक शिफ्ट होता है एम्प्लॉय का उसके लोअर लेवल ऑफ पोजीशन से हायर लेवल ऑफ पोजीशन में जहाँ पे मतलब उस हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं हायर फैसिलिटीज होती हैं हायर स्टेटस और पे होता है उसका ट्रांसफर आपका होता है कि आप एम्प्लॉय को शिफ्ट कर रहे होते हैं एक जॉब से अनदर जॉब में अनदर डिपार्टमेंट में एक से दूसरे में दैन मैरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉ मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को कि वो अपने परफॉर्मेंस को और बेटर करें सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट एम्प्लॉयज के ट्रेनिंग देन वाट द डी मैरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज इट प्रवेंट्स इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इट द इम्प्लॉयज में बिकम लेथर्जिक अ न्यू कंपनी कैन नॉट यूज़ इट रिड्यूसिस द स्पिरट ऑफ कॉम्पिटिशन रिड्यूसिस द प्रोडक्टिविटी देन एक्सटर्नल सोर्सेज आपके क्या होते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट रिफर्स टू सर्चिंग फॉर द एम्प्लॉयज फॉर द सोसेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कि हम कौन कौन से सोर्सेज uh, के थ्रू लोगों को ढूंढते हैं कि वह आपके ऑर्गेनाइजेशन में आके वर्क करें एक आपका होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अंडर दिस मैथड नोटिस इज प्लेस द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब अवेलेबल ये आपका मैथड होता है कि जहाँ पे आप क्या करते हैं कि एक नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगा देते हैं कि ये ये जॉब आपको अवेलेबल है एंड एक आपका होता है कैजल कॉलर जहाँ पे आप कॉल के थ्रू अपना नंबर दे के इन सब चीज़ों के थ्रू आप लोगों को अपॉइंट करते हैं देन एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप एडवर्टीजमेंट uh, में अपने ऑर्गेनाइजेशन uh, अपने कंपनी uh, के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन दे देते हैं जॉब से रिलेटेड दैन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सो दीज आर सम सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल दिस आर एक्सटर्नल सोर्सेज दैन नेक्स्ट वन है सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन आपका वो प्रोसेस है जहाँ पे आप आइडेंटिफाई और आइडेंटिफाई uh, करते हो चूज़ करते हो बेस्ट पर्सन को बहुत सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के बीच में पहले आपका आता है इसमें प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग अदर सुटेबल एप्लीकेंट्स आर कॉल्ड फॉर द फर्स्ट अराउंड ऑफ इंटरव्यू नोन आज प्रिलिमिनरी इंटरव्यू जो आपके एप्लीकेंट्स होते हैं उन्हें हम जब फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू इनका हो जाता है तो उसे हम प्रीलिमिनरी इंटरव्यू कहते हैं इट हेल्प्स टू रिजेक्ट द कैंडिडेट फॉर रीजंस और इसमें हम अदर कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर देते हैं देन आपका नेक्स्ट आता है सिलेक्शन टेस्ट दोज कैंडिडेट्स हो पास दिल प्री लिमिनरी इंटरव्यू आर आस्क टू अपेयर फॉर द सेलेक्शन ऑफ और एम्प्लॉयटेज जो कैंडिडेट्स आपके प्रीलिमिन्री इंटरव्यू को पास कर लेते हैं उन्हें सिलेक्शन टेस्ट के लिए बुलाया जाता है दैन उसमें उनका इंटेलिजेंट इंटेलिजेंस टेस्ट होता है एपीट्यूड टेस्ट होता है पर्सनैलिटी टेस्ट होता है ट्रेन टेस्ट होता है इंटरेस्ट टेस्ट होता है दैन नेक्स्ट वन इज़ एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू आफ्टो देट आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक किया जाता है सिलेक्शन डिसीजन होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल एंड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब ट्रेनिंग आपका एक वो प्रोसेस है जहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ के नॉलेज को बढ़ाते हैं उनके स्किल्स को बढ़ाते हैं उनकी एबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं कि जो वो जॉब कर रहे हैं

आपका ये वो मेथड होता है जहाँ पे एक एम्प्लॉय uh, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करते हुए uh, आपका ट्रेनिंग का भी प्रोसेस उनका चलता रहता है लाइक like जैसे कि uh, अलग अगर न्यू टेक्नोलॉजीज़ uh, आई हैं या फिर न्यू uh, हाँ न्यू टेक्नोलॉजीज़ है न्यू आपका वर्क so फोर्स है सो उससे रिलेटेड जो भी मतलब ट्रेनिंग होती है तो वो वर्क करते हुए भी उन्हें उस चीज़ की ट्रेनिंग दे दे दी जाती है दैन विदिस मैथड्स होते हैं आपके ट्रेनिंग के इंडक्शन मैथड इंडक्शन ट्रेनिंग इज़ अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग गिवन टू हेल्प अ न्यू एम्प्लॉय इन सेटिंग डाउन क्विकली इंडक्शन ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग आपकी वो ट्रेनिंग होती है जो कि एक नए एम्प्लॉय को दी जाती है कि वो फैमिलियर हो जाए रूल्स एंड रेगुलेशन से सराउंडिंग से अपनी जॉब के अपने ऑर्गेनाइजेशन के दिन नेक्स्ट वन इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग ये आपकी एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है जहाँ पे मतलब लोगों को बाहर भेजा जाता है वर्क करने के लिए देन योर योरटाइज अप्रेंटाइजशिप प्रोग्राम होता है अंडर दिस मैथड ट्रेनी वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर वर्क हु गाइड्स एंड हेल्प हिम इन लर्निंग द जॉब ये आपका वो मेथड होता है जहाँ पे आपको ट्रेन uh, किया जाता है एक आपके ट्रेनर के अंडर वो आपको गाइड करता है आपके जॉब से रिलेटेड देन इंटर्नशिप ट्रेनिंग इट इज़ अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग बिटवीन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस फॉर्म ये आपका आपका एक ज्वाइंट प्रोग्राम uh, होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और बिजनेस फॉर्म्स के बीच में जहाँ पे स्टूडेंट्स जो होते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को वो uh, भेजे जाते हैं बिज़नेस फॉर्म्स में कि वो प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस गेन कर सकें देन योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डायरेक्टिंग मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग गाइडिंग काउंसिलिंग मोटिवेटिंग लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव डायरेक्टिंग आपका वो प्रोसेस है जहाँ पे हम लोगों को इंस्ट्रक्ट करते हैं इंस्ट्रक्शंस देते हैं गाइड करते हैं काउंसिल करते हैं मोटिवेट करते हैं लीड करते हैं पीपल को ऑर्गेनाइजेशन में कि वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें देन आपके आते हैं फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग आप इनिशिएट्स एक्शन directing take place at every level of management directing is a continuous process directing flows from top to bottom the importance of directing Ke importance for the initiates action integrate group activity means of motivation directing facilitates changes provides stability and balance in the organization when elements kaun -kaun se supervision motivation leadership and communication देन फर्स्ट वन इज ए मोटिवेशन मोटिवेशन रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग आर इंस्पायरिंग पीपल एट वर्क टू अकम्पलिश डिजायर गोल मोटिवेशन आपका एक प्रोसेस होता है जिसमें एम्प्लॉज को वर्क करते हैं मोटिवेट uh, करते हैं कि वो अपने वर्क को और इफ़ेक्टिवली और एफिशियंटली करें कि वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके देन आपके इसमें तीन टर्म्स आते हैं मोटिव मोटिवेट्स आर मोटिवेटर्स मोटिव रिफर्स टू इनर स्टेट और डिज़ायर मोटिव आपकी इनर स्टेट डिज़ायर होती है जो कि आपको एक्टिवेट करती है कंपेल करती है कि आप अचीव कर सको गोल को मोटिवेशन आपका एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आप किसी और के थ्रू आप इंस्पायर के वो वर्क कर रहे होते हो मोटिवेटर वो टेक्निक है जहाँ पे लोगों को मोटिवेट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देन प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन आता है आपका देन जिसमें आपके अनसेटिस्फाइड नीड्स देन टेंशन देन ड्राइव सर्च बिहेवियर सेटिस्फाइड नीड डिडक्शन ऑफ टेंशन देन वॉट आर द फीचर्स नेचर्स ऑफ मोटिवेशन मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग प्रोड्यूस कोल डायरेक्टेड बिहेवियर कैन बी ए पॉजिटिव और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है देन मैसलॉज नीड हारर की थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन सक्सीड ओनली वन इट हैज़ हाईली मोटिवेटेड कमिटेड टीम ऑफ एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन तब भी सक्सेस होता है जब उसके इम्प्लॉज हाईली मोटिवेटेड होते हैं सिंस मोटिवेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मोटिवेशन आपका एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है वीडियज रिसर्च हैव गि डिफरेंट थ्योरीज बहुत सारे रिसर्चेस ने डिफरेंट थियोरीज दी है इसकी दिस थ्योरी हेल्प टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट मोटिवेशन फिन और ये आपको हेल्प कर दी कि आप कैसे मोटिवेशन के फिनॉम्लम को समझ सकते हो देन आपका पहला आता है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड बेसिक साइकोलॉजिकल नीड आर बेसिक फॉर ह्यूमन सर्वाइवल इंक्लूड नीड फॉर फूड शेल्टर क्लोदिंग एंड बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ फॉर्म द ऑफ फाउंडेशन ऑफ हार की एंड बेसिक सैलरीफाई दीज नीड्स ये आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं जो कि हर एक ह्यूमन बींग के सर्वाइवल के अंदर आती है जिसमें आपका फूड शेल्टर आता है क्लोथ्स आते हैं नेसेसिटीज़ आपकी लाइफ देन सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स आपकी नेक्स्ट नीड होती है कि सेफ्टी होनी चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देन सोशल और एफिलिएशन ऑन और बिलोंगिंग नीड्स दैन स्टीम नीड्स आती हैं आपकी देन सेल्फ एक्चुलाइजेशन नीड्स देन एक्जशंस ऑफ द मेस्ट लॉ पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देअर नीड पीपल का बिहेवियर उनकी नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड इन्फ्लुंस देयर बिहेवियर अगर उन उन्हें वो नीड्स से अगर वो सेटिस्फाइड हैं तब तो उनका बिहेवियर अच्छा होता है नहीं तो अच्छा नहीं होता पीपल नीड्स आर इन हायर ऑर्डर उनका जो नीड uh, होता है वो एक हायर ऑर्डर में होता है स्टार्ट होता है बेसिक नीड्स से देन हायर लेवल नीड्स तक जाता है पीपल्स आर मोटिवेटेड बाय अनफुलफिल नीड्स पीपल आपके मोटिवेटेड होते हैं अनफुलफिल नीड्स से और वंस अ पर्टिकुलर नीड इज सेटिस्फाइड और अगर जब एक बार उनकी वो नीडिस सेटिसफाई हो जाती है फुलफिल हो जाती है तो वो मूव uh, कर जाते हैं उनकी अदर नीड के थ्रू दैन कंक्लूजन ऑफ मेस्लॉ थ्योरी मेस्लो थ्योरी हैज़ बीन वाइडली रिकोगनाइज एंड अप्रिशिएटेड आपकी मेस्लो थ्योरी बहुत ही uh, मतलब सक्सेसफुल थी इट हेल्प्स मैनेजर्स टू रियलाइज दैट नीड लेवल ऑफ एम्प्लॉय शुड बी आइडेंटिफाइड टू प्रोवाइड मोटिवेशन टू देम की मैनेजर्स को ये समझ मतलब जाना चाहिए कि उनके एम्प्लॉयज़ की क्या नीड है और अकॉर्डिंग टू दैट उन्हें उनको सैलरीज देनी चाहिए उन्हें मोटिवेट करना चाहिए देन आपका आता है जॉब सिक्योरिटी कि जॉब में सिक्योरिटी होनी चाहिए एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयज़ को हर एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए देन एम्प्लॉई एम्पावरमेंट इट इन्वॉल्व गिविंग मोर फ्रीडम एम्प्लॉज को फ्रीडम देने चाहिए पावर देनी चाहिए अपने सबॉर्डिनेट्स को एम्पावरमेंट मेक्स पीपल फील दैट देयर जॉब्स आर इम्पॉर्टेंट और एम्पावरमेंट में पीपल को ये फील होता है कि हाँ उनकी जॉब इम्पॉर्टेंट है उनका कंट्रीब्यूशन भी इम्पॉर्टेंट है दैन नेक्स्ट वन इज़ योर लीडरशिप लीडरशिप आपका प्रोसेस है ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल Uh, ये आपका वो प्रोसेस है जहाँ पे आप इन्फ्लुएंस करते हो लोगों को कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें देन फीचर्स ऑफ लीडरशिप लीडरशिप इंडिकेट्स अबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स इट एम्स टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स इट इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोवर्स इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस नेक्स्ट वन इज लीडरशिप स्टाइल लीडरशिप स्टाइल रिफर्स टू बिहेवियर पैटर्न विच द लीडर रिफ्लेक्ट इन हिज और हर रोल एज लीडर लीडरशिप स्टाइल आपका एक बिहेवियर होता है जो कि आप जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि आप एक लीडर हैं देन ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव लीडरशिप इट गिडर्स एंड एक्सपेक्ट ऑर्डर्स ये आपका वो लीडरशिप होता है जहाँ पे आप ऑर्डर देते हो और ये आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके सबॉर्डिनेट्स उस चीज को फॉलो करेंगे the और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप्रेटिक लीडरशिप डेवलप एक्शन प्लान विद सबऑर्डिनेट्स और ये आपका वो लीडरशिप होता है जहाँ पे आप अपने सब्स को साथ लेकर कोई डिसीजन लेते हो उनकी भी उसमें मतलब राय इन्वॉल्व होती है देन लेस फेयर और फ्री रीन लीडरशिप लेसेंस फेयर और फ्री रीन लीडरशिप डज नॉट बिलीव इन द यूज़ ऑफ पावर अनलेस इट इज़ एब्सोल्यूट असेंशियल ये आपकी वो लीडरशिप होती है जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होता है आप वहीं सिर्फ अपनी पावर दिखाते हो हर जगह आपको अपनी पावर का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती Then next one is communication. Communication refers to a process of exchange of ideas. Communication आपका वो process है जहाँ एक दूसरे के thoughts, एक दूसरे के ideas exchange होते interchange होते हैं between two or more persons uh, to reach common understanding. हर एक या दो से ज़्यादा persons के बीच में transfer of ideas होता है कि वो एक common objective तक पहुँचे Then elements of communication process कौन कौन से elements हैं आपके communication process में sender, वो पर्सन होता है जो कि कन्वे करता है अपने थॉट्स को अपने मैसेजेस को रिसीवर को मैसेज मैसेज बी रिकॉर्डेड एज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन मैसेज आपका जो कंटेंट होता है मेन वो होता है इनकोडिंग एक आपका प्रोसेस होता है जहाँ पे आप कन्वर्ट करते हो मैसेज को कम्युनिकेशन सिम्बल्स में जैसे कि पिक्चर्स जेस्टरल सिम्बल्स मीडिया डिकोडिंग रिसीवर देन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कौन कौन से बैरियर्स होते हैं सीमेंटिक बैरियर साइकोलॉजिकल बैरियर ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनल बैरियर एंडल बैरियर सीमेंटिकॉब्लम्स एंड ऑबस्ट्रक्शन इन द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ मैसेज कि आपके जो भी बैरियर्स आते हैं जब इनकोडिंग और डिकोडिंग करते हो मैसेज के उस टाइम पे सिम्बल्स विद डिफरेंट मीनिंग बहुत सारे आप सिंबल्स का यूज़ करते हो कि आप अपने कम्युनिकेशन को और इजी बना सको फैक्ल्टी ट्रांसलेशन समाइम्स द कम्युनिकेशन ओरिजिनली ड्राफ्टेड इन वन लैंग्वेज कभी कभी ऐसा होता है कि जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज में लिखी होती है या फिर जब आपसे बोलते हैं कि आप सिर्फ इंग्लिश में ही उसे ड्राफ्ट uh, कर सकते हो तो हमें उसे ट्रांसलेट करने की ज़रूरत होती है कि हमारा जो वर्कर्स uh, हैं वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें समझ सकें देन अनकलैरिफाइड अजम्पन्स टेक्निकल जा जार्गन बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्टर डिकोडिंग नेक्स्ट फन इज साइकोलॉजिकल बारियर्स दीज अराइज ऑन अकाउंट ऑफ द इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर टू द मैसेज ये आपका इमोशंस और आपके साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस पर डिपेंड करता है नेक्स्ट फन इज ऑर्गेनाइजेशनल बारियर्स इंडियन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन हैजू पास थ्रू सेवर लेवल्स का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन को बहुत सारे लेवल से गुजरना पड़ता है हेंस इट मे नॉट रीच इन द सेम शेप और कभी कभी ये एक ही वे में नहीं पहुंच पाता सेंडर uh, से रिसीवर तक बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं बीच में लाइक ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेटस कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज देन नेक्स्ट वन इज़ पर्सनल बैरियर द पर्सनल फैक्टर्स ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन जो भी पर्सनल फैक्टर्स होते हैं सेंडर और रिसीवर को वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं लाइक फीयर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीडियर और सबॉर्डिनेट अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट लैक ऑफ़ प्रॉपर इंसेंटिवस दैन कौन कौन से मेजर्स होते हैं कि हम इन बैरियर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं क्लारीफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन Communicate according to the needs of receiver. Consult other before communicating. Be aware of language, tone, and content of message. Convey things of help and value of listeners. Ensure proper feedback. Communicate for present as well as future follow-up communication. Be a good listener. Then your next one is controlling. Controlling. रिफर्स टू अम्पेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस टू द प्लान परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस इन केस ऑफ डेविएशन बिटवीन एक्चुअल एंड द प्लान परफॉर्मेंस कंट्रोलिंग आप का एक वो प्रोसेस होता है जहाँ पर हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से लाइक हमने जो प्लान किया था और वो और जो हमारा एक्चुअल में जो परफॉर्म हमने करा है उसके बीच में कम्पेरिजन होता है और फिर हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं कि हम कैसे उन डेवियशंस को मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं देर आपके फीचर्स आते हैं कंट्रोलिंग के कंट्रोलिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है कि कंट्रोलिंग आपका एम करता है कि आ, आप रिसोर्स को एफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ करिए कंट्रोलिंग आपका एक परवेस्टिव फंक्शन है लाइक like कंट्रोलिंग आपका हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में रिक्वायर्ड हो वेदर वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो कंट्रोलिंग आपका बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है ये एक बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है क्योंकि ये मेजर करता है कंपेयर करता है आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड जो भी आपने फिक्स करे थे पास्ट में आपका ये फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है कि ये आपका इंप्रूव uh, करता है आपके फ्यूचर परफॉर्मेंस को आपने जो भी एक्सपीरियंसेस गेन करे पास्ट में उससे रिलेटेड देन कंट्रोलिंग आपका एक कंटिन्यूस प्रोसेस है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग

और एकट और ऑब्जेक्टिव एक गुड कंट्रोल सिस्टम आपको हेल्प करता है कि आप जो भी चेंजेस आप अपने बिजनेस इन्वामेंट में करते हो उससे आपको एक बेनिफिट मिल सके देन मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज कि जो भी रिसोर्स आपको अवेलेबल है उनका विदाउट वेस्टिंग देम आप उनको उनका इफेक्टिव यूज़ करिए देन एम्प्लॉ मोटिवेशन बहुत रिक्वायर्ड होती है ऑर्डर एंड डिसिप्लिन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है देन आते हैं लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वानिटेटिव स्टैंडर्ड्स कंट्रोलिंग सिस्टम जो होता है वो आपका लेस इफेक्टिव होता है जब आपके स्टैंडर्ड जो होता है वो क्वालिटेटिव टर्म्स में जब सेट होते हैं देन लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है दैन कॉस्टली अफेयर्स दैन नेक्स्ट वन इज कंट्रोलिंग प्रोसेस या फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड पहले हम स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं और स्टैंडर्ड्स आपके क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव बोथ टर्म्स में सेट करे जा सकते हैं क्वानिटेटिव टर्म में स्टैंडर्ड्स एक्सप्रेस करते हो कि क्या आपने कॉस्ट लगाई है उससे क्या आपको रेवेन्यू अर्न हुआ है कौन से प्रोडक्ट्स आपने कितनी यूनिट सोल्ड करी है कितने टाइम में करी है और कितने टाइम में अपने आप अप, अपने आप अप, आपको परफॉर्मेंस को आपने फुलफिल किया है देन आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्वालिटेटिव टर्म में भी सेट होते हैं लाइक like आपकी गुडविल मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ ये आपके एग्जाम्पल्स हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड के देन नेक्स्ट वन इज यर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस की देन हम मेजर करते हैं कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है परफॉर्मेंस शुड भी मेजर्ड इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलाबल मैनर परफॉर्मेंस को हम एक ऑब्जेक्टिव और रिलेबल मैनर में चेक करते हैं इट कैन भी डन यूजिंग सेवर टेक्निक्स बहुत सारे टेक्निक्स का यूज कर करके हम मेजर कर सकते हैं लाइक सैम्पल चेकिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट कंपेयर करते हैं कंपेरिजन करते हैं एक ईजियर वे में परफॉर्मेंस जो है वो मेजर होती आ, करी जा सके सेम यूनिट में जिसमें स्टैंडर्ड सेट करे गए हो देन यू नेक्स्ट वन इज़ कम्पेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड कम्पेरिजन इज ईजी विद स्टैंडर्ड आर सेट इन क्वानिव टर्म कंपेरिजन ईजी हो जाता है अगर आप उन्हें क्वानिटेटिव टर्म में सेट करें देन एनालाइजिंग डेविएशन फॉर दिस एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेवियशन मस्ट भी एक एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन जरूर हमें फिक्स कर देना चाहिए कि जिससे हमें अटेंशन या हम कंपेयर कर सकते कर, सके, कर सकें माइनर डेविएशन को क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और कंट्रोल बाय एक्सेप्शन देन नेक्स्ट वन इज करेक्टिव एक्शन जो भी डेविएशन आए हैं आपके एक्सेप्टेबल रेंज के बाहर देन ये इम्पोर्टेंट होता है कि मैनेजर को उसी टाइम पे उन डैवियशंस से रिकार्डेड कुछ एक्शन्स ले लेने चाहिए कि वो डैवियशंस दोबारा हमारे मैनेजमेंट में आकर ना हो सकें ये मैराथन सीरीज़ हमारी यहीं पे एंड होती है थैंक यू